नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टार एजुकेशन में। चलिए शुरू करते हैं 29 मई 2019 के करंट अफेयर। सबसे पहले दोस्तों आपसे माफ़ी मांगने चाहूँगा कि मैं लास्ट 2 से 3 दिन के करंट अफेयर नहीं डाल पाया कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। आगे आज के मैं करंट अफेयर अभी अप टू डेट करंट अफेयर अपलोड कर ही रहा हूँ और साथ के साथ बहुत जल्द ही मैं 1-2 दिन के अंदर पीछे का जितना भी बैकलॉग डेटा रहा है वो भी अपलोड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, DRDO द्वारा ज़मीन से 25 किलोमीटर तक हवा से मार करने वाली किस मिसाइल का चांदीपुर रेंज से सफल प्रशिक्षण किया गया है। तो अभी हाल ही में DRDO ने आकाश फर्स्ट एस नामक एक मिसाइल का चांदीपुर रेंज से सफल प्रशिक्षण किया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो होगा आपका वो बिल्कुल ठीक होगा। ये जो आपको फोटो में दिख रही है यही है वो आकाश फर्स्ट 1S मिसाइल जो कि DRDO ने लॉन्च की है। ये 25 किलोमीटर तक मार कर सकती है। आकाश मिसाइल फाइटर जेट्स, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और हवा से ज़मीन में मार करने वाली मिसाइल को ध्वस्त कर सकती है। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट टर्म है आपकी DRDO, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। DRDO की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 को। अच्छा, इंडिया में DRDO डे कब मनाते हैं, 1 जनवरी को मनाया जाता है। जिस दिन हमारा नया साल होता है उसी दिन DRDO डे मनाया जाता है, याद रखिएगा। और DRDO का हेड ऑफिस पड़ता है नई दिल्ली में और DRDO के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में किस संगठन के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। तो अभी हाल ही में बिम्सटेक के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक है। बिम्सटेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इस बिम्सटेक की ऐसी फुल फॉर्म है आपकी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। और इसी बिम्सटेक में पाकिस्तान, मालदीव को छोड़ के सार्क के अन्य देश शामिल है, जिसमें बिम्सटेक में भारत के अलावा बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान शामिल है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान, ये देश जो हैं वो शामिल है इस बिम्सटेक जो है वो ग्रुप के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अजय देवगन के पिता एवं बॉलीवुड के प्रसिद्ध एक्शन डायरेक्टर का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इनका निधन हुआ है जिनका नाम है वीरू देवगन। ए ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक होगा। ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं यही है वीरू देवगन और उनके साथ में अजय देवगन है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अच्छा, वीरू देवगन जो है वो लंबे समय से बीमार थे और मशहूर स्टंट और एक्शन कोरियोग्राफर और डायरेक्टर थे ये। इन्होंने विभिन्न फिल्मों में स्टंट भी किया है, जैसे नटवर लाल 1979 में आई थी, क्रांति 1981 में, हिम्मत वाला 1983 में, ऐसी फिल्मों में इन्होंने काम भी किया था और इनका मुंबई में हुआ है निधन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में पुनः मलावी का राष्ट्रपति चुना गया है। तो मलावी का दोबारा राष्ट्रपति चुना गया है जिनका नाम है पीटर मुथारिका, ठीक है, पीटर मुथारिका। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक होगा। ये जो आपको मैप में दिख रहा है यही है पीटर और इन्हीं का अभी हाल ही में दोबारा चुना गया है राष्ट्रपति पद के लिए, पीटर मुथारिका। और आपको मैप में दिख रहा है ये है मलावी का। चलिए आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा इसकी राजधानी क्या है और इसकी करेंसी क्या है और यहाँ के राष्ट्रपति तो खैर मैंने आपको बता ही दिया, राजधानी और करेंसी ये दो क्वेश्चन आप मुझे लिख के बताइएगा कमेंट में। अगला क्वेश्चन है, ख्याल भारतीय कला क्षेत्र में किस क्षेत्र से संबंधित है। ख्याल जो शब्द है ये भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। आपका सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक है। ख्याल हिंदुस्तानी भारतीय संगीत का एक नया रूप है। ख्याल शब्द फारसी से लिया गया है जिसका अर्थ है विचार करना या कल्पना करना और कहा जाता है कि 13वीं-14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने इस शब्द को प्रचलित लाने में काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन किया था। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सिक्किम के किस मुख्यमंत्री ने 27 मई 2019 को शपथ लेने के बाद घोषणा की वह राज्य के सरकारी कर्मचारियों को हर हफ्ते 2 दिन की छुट्टी मिलेगी।
और अभी हाल ही में सिक्किम के नए मुख्यमंत्री जो बने हैं उनका नाम है प्रेम सिंह तमांग। आपका ए ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा, प्रेम सिंह तमांग जो है सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने इन्हें पलजोर स्टेडियम में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिला दी है। प्रेम सिंह को PS गोले के रूप में भी जाना जाता है। 51 वर्षीय तमांग ने नेपाली भाषा में पद व गोपनीयता शपथ ली थी। और एक बात इम्पोर्टेंट है इसके अंदर कि जो आपका ये सिक्किम का बैच चल रहा है, क्या है ये किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। लगभग 25 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। ये सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम के मुख्यमंत्री तो अभी यही बन गए हैं प्रेम सिंह तमांग, और सिक्किम के राज्यपाल है गंगा प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं यही है प्रेम सिंह तमांग। निम्नलिखित में से किस दिन मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया जाता है? तो हर साल 28 मई को मनाया जाता है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। सी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक होगा हमारा। अच्छा, 28 मई को ये दिन मनाया जाता है। इसका थीम था इस बार का इट्स टाइम फॉर एक्शन। इट्स टाइम फॉर एक्शन, दुनिया भर में महिलाओं को मासिक धर्म के बारे में जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने 1 जनवरी 2019 से कर्मचारी पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता कितना परसेंट बढ़ाए जाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने ये 3% बढ़ाए जाने की घोषणा की है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बहुत ठीक होगा हमारा। और इसके तहत पेंशन और फैमिली पेंशनर के लिए महंगाई भत्ता जो है वो बढ़ाने की मांग हुई है। राज्य सरकार ने महंगाई भुगतान की दर को 9% से बढ़ाकर 12% करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा है कि सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर हर महीने लगभग 17.70 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा। हरियाणा की बात हुई तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण। अगला क्वेश्चन है, भारत के युवा निशानेबाज सौरव चौधरी ने अपने जर्मनी के म्यूनिक में चल रहे ISSF वर्ल्ड कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है अभी हाल ही में स्वर्ण पदक। ठीक है, ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का ठीक है। ये जो आपको फोटो में दिख रही हैं यही है देश के गोल्डन बॉय, और इन्होंने ही इस सीजन में दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड स्वर्ण पदक जो है वो हासिल किया है। सौरभ ने पिछले साल यूथ ओलंपिक और जकार्ता एशियाई खेलों में भी गोल्ड जीते हुए हैं। 17 साल के रहने वाले हैं और फाइनल में 246.3 का स्कोर बनाया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। और 2019 में दिल्ली वर्ल्ड कप में 245 अंक करके अपने पिछले रिकॉर्ड में इन्होंने सुधार भी किया था। अगला क्वेश्चन है, पनामा पेपर स्कैंडल से संबंधित रिश्वत के एक मामले में फरार घोषित पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री अशाक डार के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पाकिस्तान और किस देश ने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पनामा पेपर स्कैंडल में शुरू करने के लिए ब्रिटेन पे हस्ताक्षर हुए हैं सभी के। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही है। ब्रिटेन जो आपको मैप में दिख रहा है यही है ब्रिटेन। यहाँ की राजधानी है लंदन। यहाँ के जो मुख्य व्यक्ति है या यहाँ के प्रधानमंत्री है उनका नाम है थेरेसा मे। अगला क्वेश्चन है हमारा, टीम इंडिया 5 जून को ICC विश्व कप 2019 में अपना अभियान किस टीम के खिलाफ शुरू करेगी? तो ये अभियान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू होगा। आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सी ऑप्शन। अच्छा, इसमें कई चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी। एक तो ICC खुद इंपॉर्टेंट है। ICC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसके अध्यक्ष कौन है? शशांक मनोहर। और इसके अभी नए CEO मनु सहानी नियुक्त कर दिए गए हैं। और दुबई में इसका हेड ऑफिस 1919 में ICC की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। अफ्रीका की बात हुई है तो मैप में देखिएगा, ये है अफ्रीका। अफ्रीका की राजधानी एक है प्रिटोरिया, एक राजधानी है कैप टाउन, याद रखिएगा। और अगर मैं बात करूँ अफ्रीका के राष्ट्रपति, तो उनका नाम है अभी सिरिल रामाफोसा, जो कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह पे हमारे मुख्य अतिथि भी रहे थे। अफ्रीकी रेंड यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, 28 मई 2019 को किस प्रतीक चिन्ह ने अपने लोगो और आदर्श वाक्य के लिए प्रतियोगिता शुरू की है? लोकपाल, क्योंकि इंडिया में लोकपाल पहली बार बना है, तो लोकपाल का एक आदर्श वैल्यू और एक उसी का ही लोगो बनाने के लिए एक प्रतियोगिता शुरू की गई है आपकी।
अगला क्वेश्चन है, वीर सावरकर जयंती कब मनाई जाती है? वीर सावरकर जयंती हर साल मनाई जाती है, 28 मई को मनाई जाती है, सी ऑप्शन है। ये वीर सावरकर जो आपको फोटो में दिख रहे हैं, महान क्रांतिकारी, चिंतक, लेखक, ओजस्वी वक्ता, दूरदर्शी नेता थे। अगला क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, आज के इतने ही थे हमारे करंट अफेयर। कैसा लगा आपको वीडियो? वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जब तक अगली वीडियो अपलोड नहीं हो जाती है।